हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना बताया था, तो फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने फ़ोटो भी थंबनेल में लगाया था, तो वो फ़ोटो आपको कैसे अपने पोर्टल के अंदर अपलोड करना है और उसके बाद में आप आईडी कार्ड को डाउनलोड करोगे तो आपके आईडी कार्ड के अंदर फ़ोटो साथ में ही आएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इस पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अंदर मैं आपको फ़ोटो अपलोड ही करना बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ KYC पे अपडेट पे क्लिक करना है या फिर यहाँ ऊपर KYC अपडेट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। KYC अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल, यहाँ पर नेम, जेंडर, DOP लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम, DOP, जेंडर और इमेज। तो यहाँ पर आपको इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आप ओनली JPG और PNG फाइल है वो अपलोड कर सकते हो और ओनली 20 KB का फोटो है वो अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ब्राउजर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ब्राउजर पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास में फोटो अपलोड करने का विंडो खुल जाता है। तो मैं यहाँ पर मैंने फोटो है वो सेव करके रखा है। तो हम यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा ये फोटो है इसके अंदर आ गया है। अब हम यहाँ से थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे पोर्टल पर देख सकते हो इमेज हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा फोटो है वो अपडेट हो गया है। अब हम वापस यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली आ गया है। अब हम यहाँ पर आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोटो के साथ में आईडी कार्ड है वो डाउनलोड होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा फोटो युक्त है, वो आईडी कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो हम यहाँ पर पहले मैंने आपको प्रिंट करना बताया था, आप किसी भी प्रिंटर के अंदर प्रिंट कर सकते हो अपने आईडी कार्ड को डायरेक्टली। और फोटोशॉप के माध्यम से आप कैसे इस आईडी कार्ड को सेव करेंगे और उसके अंदर सुंदर सा आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बैकग्राउंड एंड ग्राफिक के पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे तो आपके यहाँ पर CSE का लोगो और डिजिटल इंडिया का लोगो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास में यह CSE VLE आईडी कार्ड और ये लोगो वगैरह सब साथ में आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव आप कहीं भी कर सकते हो, जहाँ पर भी आपने फाइल रखते हो वहाँ पर आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में अब आपको इस आईडी कार्ड को फोटोशॉप के अंदर लेके चलना है और वहाँ पर आपको बनाना है। मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल है वो ब्लर रखूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए रखना पड़ता है। और इसको अब बनाने के लिए आपको सबसे पहले फोटोशॉप है ओपन कर लेना है। मेरे पास फोटोशॉप 7 है और आपके पास कोई सा भी वर्जन हो या फोटोशॉप 7 सभी के पास में होता है तो फोटोशॉप 7 के अंदर आप आसानी से आईडी कार्ड को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आईडी कार्ड हमारे बताए अनुसार आप आराम से बनाओगे तो आईडी कार्ड ज़रूर बन जाएगा। तो ये हमारा फोटोशॉप है, ये ओपन हो गया है। ये फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे और क्लिक करना है, यहाँ पर ये निशान दिया गया है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप का ही वर्जन इमेज रेडी फोटोशॉप है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हमारे को जहाँ हमने PDF फाइल है सेव की है वहाँ से उठा करके इसके अंदर लाना है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर हमने सेव किया है तो हम यहाँ पर पकड़ करके यहाँ इमेज रेडी फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर लाके छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स हमारे साथ में ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2229 पिक्सल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली साइज है, ये ऑटोमेटिक सेट हो गई। फिर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये थोड़ा रेंडम होगा, उसके बाद में हमारा यहाँ
फोटोयुक्त आईडी कार्ड है वो शो हो जाएगा। अब हमारे को इस आईडी कार्ड को बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो को आप आराम से देखते रहें। तो इस प्रकार से ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे और क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये वापस अपने मेन फोटोशॉप के अंदर है, ये हमारा डिटेल है चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी डिटेल है वो आ गई। अब हम इसको अपने कार्ड की साइज में इसको प्रिंट करेंगे और इसको फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि आप इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अन्य एडिटिंग ना करें और कोई भी इसके अंदर छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट है, तो आपको इसके साथ में कोई भी एडिटिंग नहीं करना है। हम इसके साथ में एडिटिंग आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसको आईडी कार्ड के रूप में प्रिंट करके अपने पास में रख सकें। तो यहाँ इस प्रकार से ओपन होने के बाद में आपको एक न्यू शीट लेना है। न्यू शीट के अंदर आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक 4x6 शीट ले लेना है। यहाँ पर 4x6 पे अपन क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी शीट है वो आ गई है। अब हम इस शीट के अंदर एक आईडी कार्ड का यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर यहाँ पर इनको सेट करेंगे। यहाँ हम एक और न्यू शीट लेते हैं और यहाँ 4x6 पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ ओके पे क्लिक कर लेते हैं। फिर हम आईडी कार्ड की साइज है वो बनाएंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी कार्ड की साइज है 8.5 cm और 5.5 cm। फिर हम यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके इस प्रकार से क्रॉप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी आईडी कार्ड की साइज है वो क्रॉप हो गई है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 70px कर लेना है ताकि ये बाहर की गोलाई है वो हमारे को सही ढंग से दिखेगी और हम इसके अंदर आईडी कार्ड को आराम से प्रिंट कर सकेंगे, वो अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर कलर हम यहाँ पर रेड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर प्रेस करते हुए इस प्रकार से मूव करेंगे और इस तरीके से लाके छोड़ देंगे, तो हमारा इस प्रकार से ये आईडी कार्ड का बॉक्स है वो बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस बॉक्स को पकड़ करके हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये 4x6 शीट हमने न्यू ली है, इसके अंदर ले लेते हैं। फिर हम अलर्ट को दबा करके या नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये नीचे वाला बॉक्स बन गया। अब ये दो बॉक्स है वो हमारे साथ में बन गए हैं। तो ये दो बॉक्स किस लिए, एक में हम आगे वाला भाग को प्रिंट करेंगे और दूसरे में पीछे वाले भाग को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बाहर की साइड में एक लेयर बना लेते हैं ताकि हमारे को आईडी कार्ड देखने में और प्रिंट करने में और उसके बाद में कटिंग करने में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लिया। फिर हम यहाँ पर ये लेयर वाला बॉक्स है, यहाँ पर अपन ऊपर जाएंगे लेयर में और यहाँ पर लेयर स्टाइल, यहाँ पर ऑथर ग्लो में जाएंगे और यहाँ पर अपन कलर है, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा ब्लैक से कम ले लेंगे और यहाँ पर ओके कर लेंगे और यहाँ स्क्रीन की जगह हम नॉर्मल कर लेंगे, यहाँ पर 75 ही रहने देना, इस प्रकार से आपको रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी बाहर की साइड में लाइनिंग बन गई है और ये लाइनिंग हमने इसलिए बनाई है कि हम यहाँ पर बाहर की साइड में फिर प्रिंट करने के बाद में कटिंग कर सकते हैं या थोड़ा बहुत इसको रख सकते हैं, इसी हिसाब से अपन को कटिंग करना है। तो हमें इसी प्रकार से दूसरे में भी लाइन बना लेनी है। ये हल्का कलर अपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे को थोड़ा अच्छा लगेगा और कटिंग करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये लाइनिंग हमारे को रखनी नहीं है। तो मैंने अब 75 यहाँ पर अपने को नॉर्मल कर देना है, यहाँ ओके कर लेना है। तो इस प्रकार से ये दोनों में मैंने ऑथर ग्लो लगा दिया है। अब हमारे को आईडी कार्ड को इसके अंदर लाना है, तो वो कैसे लाना है, तो हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर अपन ये सेलेक्ट टूल से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ इतना सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार जितना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपन वापस क्लिक करेंगे और यहाँ मूव टूल लेंगे, इस कार्ड पे अपन वापस क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, बाद में आप ऐसा कमेंट ना करो कि सर हमारे को समझ में नहीं आया या हमारे से कार्ड ये बना नहीं है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल जी दबाना है
कंट्रोल जी दबाने के बाद में इस तरीके से ये आपका कार्ड है वो दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर की लाइन नंबर को शो हो रही है, और यहाँ से थोड़ा आपको पकड़ करके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेना है ताकि ये कार्ड हमारे को बड़ा दिखे और अच्छा दिखे। और फिर हम यहाँ पर डबल क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा अपन इसको इस तरीके से मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारे को साफ सुथरा दिखे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस लाइनिंग को ऊपर रखना चाहते हो तो इस लाइनिंग को हमारे को कॉपी कर लेना, और अलग से जैसे हम इस लाइन को कंट्रोल इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वापस यहाँ पर क्लिक करके इस लाइनिंग को अपन कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम कंट्रोल वी कर लेते हैं तो ये हमारी लाइनिंग है वो आ गई है। और इस लाइनिंग को वापस नीचे की तरफ घुमाने के लिए यहाँ पर आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ है वो लाइनिंग आ जाएगी। फिर आपको एंटर दबाना है, फिर आपको कंट्रोल जी दबाना है, तो ये लाइनिंग है इसके अंदर चली गई है। अब आप इसको थोड़ा ऊपर मूव करके इस तरीके से आप रख सकते हो यहाँ पर, तो ये थोड़ा कार्ड है हमारे को अच्छा दिखने लग गया है। इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं एकदम बीचों बीच के अंदर ताकि ये हमारे को बहुत ही अच्छी तरीके से कार्ड दिखे। थोड़ा वापस ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ये नीचे चला गया है लाइनिंग वाला बॉर्डर, इस तरीके से अपन रख सकते हैं। तो ये हमारा कार्ड है वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है आगे वाला भाग। अब हम यहाँ पर पीछे वाला भाग को इसके अंदर लाएंगे, तो इसी प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बाहर तक का हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर वापस न्यू सीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मूव टूल लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर आ गया है। अब हम कंट्रोल जी टाइप करेंगे तो हमारे को इस तरीके से ये कार्ड के अंदर है वो चला जाएगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, इस प्रकार से आपको एडजस्ट करके मूव कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिख रही है पट्टी ब्लैक पट्टी, तो इसको यहाँ से आपको पकड़ करके ये अलर्ट दबा करके यहाँ पर नीचे ले आना है। तो यहाँ पर ये पट्टी शो नहीं हो रही है तो आपको कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट टाइप करना है, तो हम यहाँ पर दबाते हैं या और दबाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी लाइनिंग है वो आ गई है। तो हम यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारी एडजस्ट हो गई है। अब इसी को ही हमारे को नीचे और सेट करनी है, तो अलर्ट के साथ में हम इसको पकड़ेंगे और इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, फिर हम यहाँ पर ये थोड़ा सा निशान बन रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से ये ऊपर की साइड हो गई है। अब थोड़ा सा अपन इसको नीचे से एडजस्ट करके बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनली कार्ड है ये बन गया है, और इसको अपन और शीट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं और इसको अपन सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसको अपन प्रिंट करेंगे और तो हमारे को कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्ड हमारे को प्रिंट होके निकलेगा और बहुत ही अच्छा हमारे को ये कार्ड निकलेगा। और फ्रेंड्स, आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ी करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने आपको इस कार्ड को सही से प्रिंट करने का आइडिया बता दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये कार्ड डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख करके CSE साइट को लॉगिन करके इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।